हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने स्विस फेडरल सिस्टम किया एंड अब हम स्विस के जो थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम करते हैं स्विस एग्जेक्टिव, जिसको हम द फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे इंडिया में एग्जेक्टिव की कौन सी टाइप है, हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है। तो स्विस में जैसे हर एक फीचर यूनिक है, वैसे ही इनकी गवर्नमेंट की जो फीचर्स है वो भी सबसे ज्यादा यूनिक है। तो अगर हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं, एग्जेक्टिव क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बिल पास किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जेक्टिव करती है। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके नाम पर वर्क करता है, एग्जेक्टिव के नाम पर ही वर्क करता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, एग्जेक्टिव हेड है, और दो वो नॉमिनल हेड है। सारी की सारी पावर्स हैं वो सभी पावर्स किसके पास है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास है। कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कुछ कंट्रीज में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है इनमें से दोनों में से कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जब हम एग्जेक्टिव की टाइप्स करते हैं कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, तो हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव कहा जाता है, जिसमें मोनार्कल एग्जेक्टिव होता है या डेमोक्रेटिक एग्जेक्टिव होता है। अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं, जिस सबसे पुरानी मोनार्कल पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव है, जिसका एक सिंगल ही एग्जेक्टिव हेड होगा पूरे देश का, और वो कौन है, किंग है, क्वीन है, जिन्हें एग्जेक्टिव हेड होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो देश का एक इलेक्टेड हेड है, जैसे मोनार्क हेड है, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, उसको किंग और क्वीन कहते हैं। इंडिया में भी कौन सी फॉर्म है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या हो गए, एक नॉमिनल एग्जेक्टिव हेड है, एंड जो देश के पार्लियामेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक्चुअल में रियल एग्जेक्टिव हेड है। तो एग्जेक्टिव क्या होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स है, इनकी मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें एग्जेक्टिव और उसके टाइप्स को डिफाइन किया गया है। तो जिन कंट्री से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव नहीं होती, वहां पर होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव, जिसमें डेमोक्रेटिक एग्जेक्टिव होता है और मोनार्क एग्जेक्टिव भी हो सकता है। अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सभी की सभी पावर्स है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। जो प्रेसिडेंट है वो रियल हेड होता है। तो अगर हम वर्ल्ड की कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव होती है, गवर्नमेंट होती है। लेकिन जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो जहां पर ना ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो स्विस की एग्जेक्टिव है, स्विस की गवर्नमेंट है, वो कैसी है, वो इन दोनों से डिफरेंट है एंड इम्प्रेसिव एग्जेक्टिव सिस्टम है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रिवेल नहीं करता है, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्लूरल एग्जेक्टिव, जिसमें एक एग्जेक्टिव हेड नहीं है। अगर हम किंग की बात करते हैं, ये भी क्या है, सिंगल एग्जेक्टिव हेड है। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ये भी सिंगल एग्जेक्टिव हेड है। लेकिन जहां पर सिंगल के ऑपोजिट प्लूरल एग्जेक्टिव हेड होती है, जो एग्जेक्टिव पावर्स है वो किसी एक पर्सन को नहीं दी गई है, जो एग्जेक्टिव पावर्स है दे आर वेस्टेड टू द प्लूरल बॉडी, मींस एक बॉडी बना दी जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, उनके पास ही सारी की सारी पावर्स दी
मेंबर्स हैं, सेवन मेंबर्स हैं, जिस सेवन मेंबर को ही कोलेजियल बॉडी कहा जाता है, जिसमें सभी की सभी पावर्स को मिलकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर जे यूज करते हैं। तो जे जो सेवन मेंबर्स हैं, दे ऑल आर इक्वल, ऑल ऑफ होम आर एब्सोल्युटली इक्वल इन पावर। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कोई एक मेंबर है उसके पास ज्यादा पावर्स होंगी, सभी की सभी पावर्स इन सेवन मेंबर्स के पास है। एंड जिस सेवन के सेवन मेंबर क्या है, एब्सोल्युटली इक्वल है। इसीलिए जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना पार्लियामेंट्री ना प्रेसिडेंशियल, जे क्या है, प्लूरल एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो स्विट्जरलैंड की प्लूरल एग्जेक्टिव है, इसके रिगार्डिंग जो विलियम ई रैपर्ट है वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं द ड्राफ्टिंग कमेटी रिजेक्टेड द अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंसी। जब हम स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम ये कहते थे कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। जो कुछ भी इनमें प्रोविजन की गई है वो अमेरिका से ही डिराइव की गई है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उन्होंने जो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको रिजेक्ट कर दिया। बाकी हर एक प्रोविजन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाइकैमरल है, वैसे इन्होंने इलेक्ट किया। वैसे ही रिपब्लिकन कंट्री है, वैसे अपने लोगों को राइट्स दिए हैं। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वॉज सो कॉन्ट्रेरी टू द आइडियाज एंड हैबिट्स ऑफ स्विस पीपल। जे कहते हैं जो स्विस पीपल है वो बहुत ही लिबरल है, वो बहुत ही प्यार से रहते हैं, उनमें कभी भी डिक्टेटरशिप की फीलिंग्स नहीं होती है। इसलिए जो स्विस की पीपल है उनके आइडियाज एंड हैबिट्स के अगेंस्ट हैं। हु माइट सी देयर इन एंड एविडेंस ऑफ अ मोनार्कियल और डिक्टेटरल टेंडेंसी, जो किसका रिप्रेजेंट कर रही है, अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ मोनार्की को या डिक्टेटरशिप को ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं, ये क्या है, रिपब्लिकन है, ये 13th सेंचुरी से ही रिपब्लिकन है। इसीलिए तो जो स्विट्जरलैंड है, इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों को रिजेक्ट कर दिया और इसके बदले एक स्पेशल यूनिक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसको फेडरल एग्जेक्टिव कहते हैं। तो जो इनका स्विस फेडरल गवर्नमेंट है, इसकी कौन कौन सी फीचर्स है, इनफैक्ट जो इनकी फीचर्स हैं, इनको हम यूनिक फीचर्स कहते हैं, क्योंकि ऐसे फीचर्स किसी भी कंट्री में प्रिवेल ही नहीं करती। जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम रियल एग्जेक्टिव की बात करेंगे, हम कहेंगे हमारे देश का प्रेसिडेंट हेड है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी गवर्नमेंट कैसी रन करती है, उसकी कैबिनेट कैसी होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एग्जेक्टिव हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं और वो इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, उनकी डिसीजन भी कलेक्टिव होती है। तो वो फीचर्स कैसी है, फर्स्ट वन इज प्लूरल एग्जेक्टिव। स्विट्जरलैंड के जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें एग्जेक्टिव फॉर्म्स कौन सी है, प्लूरल एग्जेक्टिव है, जिसमें लोग मोनार्की को बहुत ज्यादा अंगेज से और वो इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप है इसको भी प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो स्विट्जरलैंड के जो सिटीजन्स है वो ना ही मोनार्की चाहते थे, ना ही वो चाहते थे एक पर्सन की डिक्टेटरशिप चले। अगर हम अपने इंडिया में, यूएसए में या ब्रिटिश में जो एक एग्जेक्टिव हेड है, हम उसकी पोजीशन करते हैं, तो हम ये कहते हैं उसकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो डिक्टेटर भी बन सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर यूएससी का प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, डिक्टेटर बन सकता है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट होगा वो इन 7 मेंबर में से होगा जो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो कभी भी डिक्टेटर नहीं बन सकता है। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर होगी। तो जो पावर्स है, पावर्स किसके हैंड्स में है? 7 पर्सन के हैंड है, जिसको कोलिजियल बॉडी कहा जाता है। तो ये क्या है? एक अपने आप में ही डिफरेंट फीचर्स है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। जो स्विट्जरलैंड की पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी फेडरल गवर्नमेंट है, जो टोटली स्टेबल है, इसको कभी अप्स एंड डाउन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो मेंबर्स हैं, जो प्लूरल एग्जेक्टिव के 7 मेंबर्स हैं, इन 7 मेंबर्स को कभी भी इनका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले रिमूव नहीं किया जा सकता। जी ना ही रिमूव किया गया है, क्योंकि इनकी इलेक्शन भी कैसे होती है, इनको इलेक्ट किया जाता है पार्टी बेसिस पर नहीं, इनको इलेक्ट किया जाता है इनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। अगर जो क्वालिफाइड है, एक सिटीजन है, जो उसको लगता है मुझको प्लूरल एग्जेक्टिव का मेंबर होना चाहिए, तो वो भी इसके लिए खड़ा हो सकता है। तो मीन्स जो जी मेंबर्स होते हैं, जे मेंबर्स देश के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जे सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जे भी देखा गया है, जो पर्सन्स होते हैं, सेम पर्सन को ही बार 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 इलेक्ट किया जाता है। जो प्लूरल एग्जेक्टिव है, इसमें जो एवरेज टिनर बन जाता है वो 8 इयर्स का है, लेकिन जो सिंगर जिनिस्पा मोटा थे उनका टिनर 30 इयर्स के लिए था। वो 1911 से लेकर 1940 तक प्लूरल एग्जेक्टिव के मेंबर रहते हैं। इस तरह स्टेबल गवर्नमेंट है, एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, वो ही प्लूरल एग्जेक्टिव के मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट इज नॉन पार्टीशन करैक्टर। इसका मीनिंग क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टी से अबव होते हैं, जो भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, वो मेंबर क्या है? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है। इसके 7 मेंबर्स हैं, 7 की 7 मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर ही इलेक्ट होते हैं। उसके लिए उसकी क्वालिटीज देखी जाती हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज देखी जाती हैं। इसीलिए जे पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, इनसे अबव होते हैं, जे ना ही पार्टी लाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिस वजह से जे क्या होते हैं, देश के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव डिसीजंस। जो प्लूरल एग्जेक्टिव है, इनके मेंबर हैं, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी डिसीजन भी कलेक्टिव है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कलेक्टिव है। अगर एक मेंबर है वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है, अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट है उनका भी वो अल्टरनेट हेड बन जाता है। तो ये सभी के सभी डिसीजन आपस में मिलकर लेते हैं, तो इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो इनमें एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी की क्वालिटी नहीं होती है, जिसलिए जे पार्टी बेसिस पर काम ना कर देश के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ फेडरल एग्जेक्टिव आर नॉट द मेंबर्स ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। मीनिंग क्या हो गया? जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, जो प्लूरल एग्जेक्टिव के मेंबर्स होते हैं वो देश की फेडरल पार्लियामेंट है, फेडरल लेजिस्लेचर है, इसका मेंबर नहीं हो सकते। अगर कोई इसका मेंबर बन भी जाता है, तो वो अगर प्लूरल एग्जेक्टिव का मेंबर इलेक्ट हो गया, तो उसको फॉर्मर मेंबरशिप से रिजाइन देना पड़ता है। अगर एनी मेंबर ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ प्लूरल एग्जेक्टिव, तो He has to resign from his former membership. Former membership means वो federal legislature का member है, तो legislature की membership से resign देगा, तभी जाकर वो executive का member बन पाएगा। जो plural executive के members हैं, जो legislature की meetings होती हैं, इनमें बैठ सकते हैं, discussion में participate कर सकते हैं, लेकिन इनको vote देने का कोई भी right नहीं होता। जी सिर्फ meetings में बैठने का राइट रखते हैं, वोट देने का राइट नहीं है। एंड लास्ट वन इज इट इज नीदर पर्सनल
पार्लियामेंट्री नॉर प्रेस जंक्शन, जो स्विस फेडरल गवर्नमेंट है ना ही पार्लियामेंट्री है ना ही प्रेस जंक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करते हैं जी, ना ही ग्रेट ब्रिटेन की तरह इसकी जो काउंसिल है वो कैबिनेट की तरह नहीं काम करती। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटिश में कैबिनेट है, कैबिनेट क्या होती है, वो पावरफुल होती है, वो उसकी तरह काम नहीं करे, इसकी सेवन मेंबर्स कोई भी कैबिनेट फॉर्म नहीं करे जैसे ग्रेट ब्रिटेन में होते हैं, ना ही जे अमेरिका के प्रेसिडेंट की काउंसिल की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ना ही इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर लाइक एज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरीके का है एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है, जिसमें ना ही प्रेसिडेंशियल ना ही पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो कमियां है वो इसमें इंक्लूड है। इन्होंने एक सबसे अच्छे यूनिक सबकी डीमेरिट्स को खत्म कर मेरिट्स को इंक्लूड कर एक फेडरल एक्सेप्टिव फॉर्म बना ली, तो इनकी जो गवर्नमेंट है इसको हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें प्लूरल एक्सेप्टिव होते हैं, तो प्लूरल एक्सेप्टिव गवर्नमेंट जे बनाते हैं। तो हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कॉम्पोजिशन ऑफ फेडरल प्लूरल एक्सेप्टिव करेंगे। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।